हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल Study24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही आपका अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है जहाँ पर आपको फ्री नोट्स और फ्री स्टडी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की कराई जा रही है, तो आप वो दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम बात करते हैं इस वीडियो में, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि टीचिंग पोस्ट आने वाली हैं, तो टीचिंग पोस्ट काफ़ी अच्छी मात्रा में आई हैं, वो आप देख सकते हैं अभी अपनी स्क्रीन पे। तो ये हरियाणा के अंदर टीचिंग पोस्ट हैं जिसमें आप देख सकते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट है, इसके बाद PGT टीचर की पोस्ट है, इसके बाद TGT जो टीचर है उसकी पोस्ट है, इसके बाद लाइब्रेरियन की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है। तो इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है कल कैंडिडेट्स के माइंड में थे कि क्या CTET पास जो कैंडिडेट्स है क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और या ओनली STAT की ही जरूरत है। तो आपके इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, तो आप अभी देखते रहिए। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस मतलब सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। तो PGT में इसमें जो पोस्ट है 419 है, TGT में 380 है, लाइब्रेरियन में 14 है, क्लर्क में 32 है, अकाउंट्स क्लर्क में 30 है और जो प्रिंसिपल की रह गई है वो 20 है। इसके बाद जो इसमें ऑनलाइन फॉर्म है वो 16/7/2019 से स्टार्ट हो गए हैं और 27/7/2019 तक इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि फी कितनी चाहिए, वो अभी देखते हैं स्क्रीन पे। इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूं, सभी पोस्ट के लिए जो SC है और PH है ओनली हरियाणा के, उनके लिए ₹750 है। इसके बाद जो SC के या PH के अलावा है हरियाणा से, मतलब SC या PH नहीं है हरियाणा से और जो कैटेगरीज है हरियाणा में, उनके लिए 1000 है और जो अदर स्टेट के हैं जितने भी या SC PH वगैरह सभी, उनके लिए ₹1000 फीस है। तो आप देख सकते हैं इसमें 16/7 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 27/7 लास्ट डेट है और मतलब जो करेक्शन कर सकते हैं आप इसमें, वो करेक्शन कब हो सकती है 28/7 से 30/7/2019 तक। तो ये अभी आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बता देता हूं। ये जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद इसमें CTET पास भी अप्लाई कर सकता है, STAT CTET। जो PGT है उसमें STAT CTET और NET तीनों अगर किसी ने क्वालिफाई कर रखे हैं तो वो अप्लाई कर सकता है। और इसके बाद जो TGT है, TGT में CTET और STAT दोनों पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये पोस्ट है इसमें जो आयु सीमा है, आयु सीमा 21 से 42 वर्ष तक है, तो इसमें आयु सीमा की मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो 21 से 42 वर्ष तक की इसमें आयु सीमा है और ये सारी चीजें हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देता हूं, वहां से आप आराम से देख सकते हैं सारी जानकारी। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, साइट पे विजिट कर सकते हैं, सारी चीजें और देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही अपडेट है आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं, इस टाइप की और न्यूज पाने के लिए या कोई भी गवर्नमेंट टीचिंग फॉर्म या मतलब कोई भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानने के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, उसे भी जरूर देख लीजिए क्योंकि आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फ्री मिलेगा, आपके व्हाट्सएप पे भी मिलेगा और इसके बाद आप मतलब उस चैनल पर आपको फ्री स्टडी भी कराई जा रही है। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।